हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी करना सीखेंगे। जिस तरह से बैंक्स हर 3 साल पे केवाईसी को अपडेट कराते हैं, उसी तरह से पीएम किसान निधि योजना के पोर्टल पे केवाईसी का ऑप्शन जो है इनेबल हुआ है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक वर्ष में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 की 3 किस्तों में। अब तक इस योजना के अंतर्गत 9 किस्तें इशू हो चुकी हैं, यानी किसानों को कुल 9 किस्तों के पैसे मिल चुके हैं, 2,000 रुपये। और 10वीं किस्त का जो पैसा है वह इस महीने के अंत तक आ जाएगा, यानी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में वो पैसा आने की पूरी उम्मीद है। यदि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं ना, तो जल्दी से जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाके जल्दी से जल्दी अपना केवाईसी अपडेट कराएं, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर में ये, यदि आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाए, यानी कि उसमें जो हर 4 महीने पे 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट भेजी जाती है वो शायद बंद कर दी जाए, यदि आपने केवाईसी नहीं अपडेट कराया तो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं केवाईसी कैसे अपडेट किया जाएगा। केवाईसी के लिए सिर्फ आपको आधार ऑथेंटिकेशन ही करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आ चुके हैं। अभी देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल है। आप यहाँ पे एक मैसेज देख सकते हैं, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, प्लीज क्लिक केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर। यानी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करके अपना केवाईसी कराना है, तो हमने केवाईसी पे क्लिक करके यहाँ पे आधार का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें अपना आधार नंबर डालेंगे और यहां पे कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को हम यहां पे डाल के सबमिट कर देंगे। ये मैंने ओटीपी यहां पे डाल दिया है और यहां पे सबमिट कर दूंगा। ये देखिए, आपका मैसेज आ गया, ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना केवाईसी इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी तरह सबमिट कर लीजिएगा कि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपने अपना केवाईसी अपडेट करना सीख लिया होगा पीएम किसान निधि योजना के पोर्टल पर। धन्यवाद, नमस्कार।